विश्व हिंदू परिषद सिवनी मालवा के संरक्षण में जागृत हिंदू संस्कृति रक्षक मंच द्वारा 14 अगस्त 2023 दिन सोमवार को विशाल त्रिलोकेश समरसता कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। कावड़ यात्रा के संयोजक विश्व हिंदू परिषद नर्मदापुरम विभाग मंत्री शिव राठौर ने बताया कि निरंतर निकलने वाली कावड़ यात्रा का ये 5वां वर्ष है। श्रावण मास के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के संरक्षण में जागृत हिंदू संस्कृति रक्षक मंच द्वारा निकलने वाली भव्य कावड़ यात्रा संपूर्ण व्यवस्था कार्य योजना हेतु स्थानीय कार्यालय पर पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कावड़ यात्रा की संपूर्ण कार्य योजना बनी। पत्रक होल्डिंग्स, प्रचार प्रसार, भोजन व्यवस्था आदि को लेकर बैठक में चर्चा की गई। राठौर ने बताया कि दिनांक 14 अगस्त 2023 दिन सोमवार को कावड़िये प्रातः 9 बजे रेवाता डावली घाट में एकत्रित होकर पूज्य संतों महंतों के मार्गदर्शन में विधि विधान से मां नर्मदा का पूजन अर्चन, चुनरी का समर्पण कर अपनी अपनी कावड़ में मां नर्मदा का जल भरकर अपनी मनोकामना भारत माता के अखंड स्वरूप की स्थापना, भारत हिंदू राष्ट्र हो, इस कामना को लेकर कावड़ यात्रा आवली घाट से 10 बजे से प्रारंभ होगी, जो कि पैदल चलकर रत्नापुर, चोतलाय, कोटला खेड़ी, धर्मकुंडी, बिलट देव, कारिया, बानापुरा मेन रोड से होकर सिपनी मालबा के प्राचीन शंकर मंदिर पहुंचेगी, जहां प्राचीन शंकर मंदिर में बाबा भोलेनाथ का मां नर्मदा जल से जलाभिषेक किया जाएगा। कावड़ यात्रा समिति की बैठक में प्रमुख रूप से कावड़ यात्रा के संयोजक विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री शिव राठौर, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संतोष पारिक, नगर पालिका अध्यक्ष रिंकू जैन, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र साध, वीरेंद्र मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सोरोत, बीप जिला उपाध्यक्ष प्रवीण अवस्थी, भाजपा नगर अध्यक्ष अभिषेक शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज आपकी किस विषय को लेकर के बैठक रखी गई थी? बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव। सामान्य क्षेत्रवासियों, विश्व हिंदू परिषद एवं जागृत हिंदू संस्कृति रक्षक मंच के द्वारा प्रतिवर्ष श्रावण मास के अवसर पर विराट और विशाल त्रिलोकेश समरसता कावड़ यात्रा निकाली जाती है, जो कि समिति का यह 5वां वर्ष है। आज इसी को लेकर स्थानीय कार्यालय पर सम्मानित पदाधिकारियों की बैठक थी। बैठक में यह तय किया गया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दिनांक 14 अगस्त दिन सोमवार को प्रातः 9 बजे सभी कावड़िये और भोले के भक्त, कार्यकर्ता बंधु आवली घाट व रेवा तट पहुंचेंगे। वहां पर मां नर्मदा जी का पूजा अर्चना, चुनरी समर्पण करते हुए अपनी अपनी कावड़ों में मां रेवा का जल भरकर कावड़िये बड़ी संख्या में उत्साह से प्रातः 10 बजे यात्रा आवली घाट से प्रारंभ होगी, जो कि पैदल चलते हुए ये कावड़ यात्रा आवली घाट, हतनापुर, कोटला खेड़ी, धर्मकुंडी, भीलटदेव, कहारिया, बानापुरा और सिवनी मालवा के स्थानीय प्राचीन शंकर मंदिर में पहुंचेगी। वहां पर कावड़ियों की मनोकामना कि भारत माता का अखंड स्वरूप की स्थापना हो, यह भारत हिंदू राष्ट्र हो, इसी कामना को लेकर कावड़िया अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने हेतु बाबा भोलेनाथ का मां नर्मदा के जल से जलाभिषेक करेंगे और भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, अखंड भारत माता के स्वरूप की स्थापना शीघ्र हो और यह भारत शीघ्र हिंदू राष्ट्र हो, इसी कामना को लेकर विश्व हिंदू परिषद जागृत हिंदू संस्कृति रक्षक मंच द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दिनांक 14 अगस्त को यह यात्रा विराट त्रिलोकेश समरसता कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। हमारा सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह है कि अपने अपने घरों से सुंदर सुसज्जित बढ़िया कावड़ सजाकर 14 अगस्त को प्रातः 9 बजे मां रेवा तट आवली घाट पहुंचे, वहां से पैदल
कावड़ यात्रा शिवनी मालवा के प्राचीन शंकर मंदिर आएगी। जय श्री राम। बम बम भोले।